हेलो एवरीवन, मैं मनीष कुमार आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने स्पार्क के फंडामेंटल्स को, और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि स्पार्क क्या होता है और स्पार्क की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। ठीक है, ये वीडियो मैंने पहले शूट कर लिया था लेकिन बाद में पता चला कि मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया, तो वापस मुझे ये शूट करना पड़ रहा है। ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा सह लेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है कि मैं ये PDF या PPT या जो भी जहाँ पे भी मैं पढ़ा रहा हूँगा वो चीज़ें मैं आप लोगों को नहीं देने वाला हूँ। आप लोगों को खुद से अपने नोट्स बनाने हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, क्योंकि मैंने ये देखा है कि बहुत बार हमें ये PDF मिल जाता है और PDF कभी बाद में ओपन नहीं होता है। तो मैं ये चीज़ आप लोगों को नहीं देने वाला हूँ, हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन अगर आप अपना नोट्स बनाओगे तो वहाँ पे ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग नोट्स बनाओ, आप लोग अच्छे से पढ़ो। अगर सिर्फ ऐसे लेट के वीडियो देखोगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो आपको खुद से मेहनत करके, पढ़ाई करके, लिख के करनी है चीज़ों को। लिख के करोगे तो ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में भी आएगी, और डाउट आएगा तो मैं कमेंट सेक्शन में भी बताऊँगा, और जहाँ पे भी अगर Q&A की ज़रूरत पड़ेगी वो भी हम कर लेंगे, लेकिन मैं आप लोग को PDF नहीं देने वाला हूँ। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान में रखना, कमेंट सेक्शन में मत बोलना कि बार बार PDF दो। ऑलराइट, तो अब हम आ गए हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे और हम देखने वाले हैं स्पार्क ओवरव्यू के बारे में। आज के इस वीडियो में हम थ्योरी पढ़ेंगे। ये वीडियो पहले रिकॉर्ड हो गई थी और मुझे बाद में पता चला मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं किया था, तो अभी मैंने वापस से लिखा नहीं फिर से, लेकिन अगले क्लास से आप लोग को लिख लिख के समझाया जाएगा। ठीक है, तो हमारे दो क्वेश्चन है, व्हाट इज अपाचे स्पार्क, आखिर ये अपाचे स्पार्क है कौन सी चीज़, और दूसरी चीज़ कि क्यों इसकी ज़रूरत है, क्या इसके अलावा कोई और ऐसी चीज़ नहीं है जो कि सेम काम को ज़्यादा अच्छे से कर सकता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब पहला क्वेश्चन ही हम देख लेते हैं कि व्हाट इज अपाचे स्पार्क। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने डिफिनेशन लिखा था, अपाचे स्पार्क इज अ यूनिफाइड कंप्यूटिंग इंजन एंड सेट ऑफ लाइब्रेरीज फॉर पैरेलल डेटा प्रोसेसिंग ऑन अ कंप्यूटर क्लस्टर। अब यहाँ पे बहुत सारी नई टर्म आई होगी जो कि आप लोग को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, तो चलिए अब उसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। पहले तो कि अपाचे स्पार्क एक यूनिफाइड है, यूनिफाइड का क्या मतलब हुआ, यूनिफाइड क्या है, कंप्यूटिंग इंजन है, तो कंप्यूटिंग इंजन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, एंड सेट ऑफ लाइब्रेरीज तो ये लाइब्रेरी क्या होता है, और उसके बाद फिर यहाँ बोल रहे हैं फॉर पैरेलल डेटा प्रोसेसिंग, तो पैरेलल डेटा प्रोसेसिंग कैसे होता है, क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, ऑन कंप्यूटर क्लस्टर मतलब कि कंप्यूटर जो है वो क्लस्टर में होता है। अब ये क्लस्टर कैसे बनता है, क्या होता है, इन सारी चीज़ों को पहले हम लोग देख लेते हैं, एक एक टर्म को समझ लेते हैं। जैसे टर्म को समझ में आ जाएगा उसके बाद ये पूरा डेफिनेशन एक साथ पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे यही सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि व्हाट इज़ यूनिफाइड, सबसे पहला यही था कि व्हाट इज़ यूनिफाइड, देन हमारा व्हाट इज़ कंप्यूटिंग इंजन, देन व्हाट इज़ लाइब्रेरीज, उसके बाद पैरेलल डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है, और फिर कंप्यूटर क्लस्टर कैसे बनता है, इन सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा यूनिफाइड। यूनिफाइड का मतलब होता है सब चीज़ को एक जगह ला देना। जैसे कि मान लो कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है कि डेटा इंजीनियर्स हैं, डेटा एनालिस्ट हैं और डेटा साइंटिस्ट हैं। ठीक है, डेटा इंजीनियर का काम है डेटा का पाइपलाइन बनाना, डेटा एनालिस्ट का काम है कि अगर कुछ डेटा प्रोसेस करके मिला हुआ है डेटा इंजीनियर के द्वारा तो उस पर एनालिसिस करना कि मान लो लास्ट मंथ का सेल क्या था, कितने सेल्स, कितने परसेंट से सेल्स ड्रॉप हुए, इन सारी चीज़ों को। और डेटा साइंटिस्ट का काम क्या है कि उस डेटा के ऊपर मॉडल बनाना और मॉडल से प्रेडिक्ट करना कि फ्यूचर में हमारा सेल्स क्या होने वाला है। तो अगर ये तीनों एक ही सॉफ्टवेयर या एक ही जगह पे काम कर सकते हैं तो उसी को बोलते हैं यूनिफाइड, मतलब कि हर एक लोग एक ही जगह आके काम कर सकते हैं उसी को बोलते हैं यूनिफाइड। तो यहाँ पे देखो, स्पार्क इज डिजाइन टू सपोर्ट वाइड रेंज ऑफ टास्क ओवर द सेम कंप्यूटिंग इंजन। यहाँ पे देखो अगेन हमारा आया कंप्यूटिंग इंजन, मतलब कि एक ही जगह पर सब लोग आके अपना अपना काम कर सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिफाइड है, स्पार्क एक यूनिफाइड कंप्यूटिंग इंजन है। तो अब हम सीखते हैं कि कंप्यूटिंग इंजन क्या होता है। तो कंप्यूटिंग इंजन सीखने से पहले एक बड़ा मिथ को क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे मिथ ये है कि अभी अगर आप बहुत सारे ऐसे डेटा प्रोफेशनल्स भी होंगे जो डेटा इंजीनियरिंग में काम कर रहे होंगे, अगर उनसे पूछोगे कि स्पार्क डेटा को स्टोर कहाँ करता है, उनको ये नहीं पता होता कि स्पार्क सिर्फ कंप्यूट करता है और ये कहीं भी डेटा को स्टोर नहीं करता है। बेसिकली ये सारा चीज़ रैम में हो रहा होता है, तो रैम जो है हमारा वो परमानेंट स्टोरेज नहीं होता है, जैसे ही वो टेम्पोररी स्टोरेज होता है, जैसे ही रैम क्लीन होगा पूरा डेटा क्लीन हो जाएगा, मतलब कुछ भी डेटा हमारा नहीं बचेगा। तो ये बहुत सारे डेटा प्रोफेशनल्स भी होते हैं जिनको नहीं पता होता है कि स्पार्क के पास खुद का अपना कोई स्टोरेज नहीं होता है। तो यहीं पे ये पॉइंट हमने दिया बताया था कि स्टोरेज यहाँ पे नहीं होता है। अब स्टोरेज नहीं होता तो आप लोग को
समझ में आ रहा है, अगर स्टोरेज ही नहीं होगा तो हम डेटा को स्टोर कहाँ करेंगे? अगर मान लो हमने प्रोसेस कर लिया तो डेटा स्टोर कहाँ होगा? तो स्टोर करने के लिए स्पार्क ने हमें फ्लेक्सिबिलिटी दिया है कि आपके पास जितने सारे डेटा स्टोर करने के टेक्निक है, या तो आप क्लाउड में करो, अपने सर्वर पे करो, ये RDBMS में करो, जहाँ पे भी आपको स्टोर करना है वहाँ पे हम आपको फ्लेक्सिबिलिटी देंगे। हम वहाँ पे आप लोगों को कनेक्टर देंगे, उसके थ्रू आप अपने डेटा को पुल और पुश दोनों कर सकते हो, मतलब फेच भी कर सकते हो, वहाँ पे स्टोर भी कर सकते हो। तो सबसे पहला चीज़ यहाँ ध्यान रखना है कि स्पार्क जो है वो स्टोर नहीं करता डेटा को। अब यहाँ पे हम चीज़ डिस्कस करते हैं कि कंप्यूटिंग इंजन का क्या मतलब होता है। तो कंप्यूटिंग इंजन का मतलब होता है कि अगर मान लो मैंने आपको एक टास्क दिया कि ये टास्क हमें करने हैं, तो वो टास्क करके, जैसे हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप में क्या होता है, CPU लगा होता है, RAM लगा होता है, तो जो भी हम टास्क देते हैं वो क्या होता है, हमारा 0 और 1 में कन्वर्ट होता है और वो जाता है CPU के पास, CPU उस पर परफॉर्म करता है टास्क को और वो हमें रिटर्न करता है कुछ आंसर्स को। तो यही सेम चीज़ हमारा स्पार्क भी करता है। स्पार्क क्या करता है, स्पार्क में बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे होते हैं, उस कंप्यूटर्स के पास RAM लगे होते हैं, CPU लगे होते हैं, और वहाँ से वो हमें डेटा को ट्रांसफॉर्म करके, डेटा पे मैनिपुलेशन करके, मान लो कि हमारे पास एक रिकॉर्ड नहीं चलो 2+5 है, तो 2+5=7, ये हमें जो कंप्यूट करने वाली चीज़ है वो कौन देगा, वो हमें देगा स्पार्क, कि 2+5=7 होता है। अब ये तो एक छोटा सा एग्जांपल था कि 2+5, वो तो एक सिंपल सा कंप्यूटर भी कर देगा, लेकिन अगर हम 1 TB 5 TB 10 TB के डेटा को बोले कि चलो एक ही कॉलम है, उस कॉलम में +1 कर दो बस, तो इतने सारे डेटा एक जगह पर स्टोर नहीं हो पाएंगे, तो वहाँ पर हमें लगता है कि अलग अलग जगह से पावर मिले और हम उसको ये कर सके, कंप्यूट कर सके। तो यही हमारा स्पार्क कंप्यूट इंजन है, यहाँ पे हमें स्टोरेज नहीं मिलता है। यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल भी दिया है कि देखो आप S3 से कनेक्ट कर सकते हो, HDFS से कनेक्ट कर सकते हो, JDBC ODBC कनेक्टर से कर सकते हो, Azure के स्टोरेज से कर सकते हो, ठीक है। स्पार्क ऑलमोस्ट वर्क विथ ऑल डेटा सिस्टम, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं कि कंप्यूटर क्लस्टर क्या होता है। तो यहाँ इससे पहले हमने एक और क्वेश्चन थे हमारे कि पैरेलल डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है। तो पैरेलल डेटा प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि जैसे हमारा पास एक टास्क है, तो इसको एकदम जनरल भाषा में समझते हैं कि मान लो कि एक बाप है, उसके 4 बेटे हैं, ठीक है। अब बाप के पास टोटल 10 टास्क हैं, उसको 10 काम करने हैं आज भर में, और उसको अपने सारे बेटों से करवाना है, तो वो क्या करेगा, दो या तीन टास्क दे देगा दो बेटों को, और दो बेटों को दो दो टास्क दे देगा जो छोटे वाले हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि उसका 10 टास्क जो है वो उनके 4 बेटे में डिवाइड हो गया, और 4 बेटे अपने अपने इंडिपेंडेंट टास्क करेंगे और शाम को आके रिजल्ट दे देंगे अपने किसको, पापा को बता देंगे कि हाँ ये टास्क हमने कर दिया। तो इस तरह से उसके जो फादर हुए उनके सारे टास्क कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रही होती है कि अपना जो है वो एक टास्क के लिए, मतलब जो भी हमारे बंच ऑफ टास्क है उसको अलग अलग एग्जीक्यूटर, यहाँ पे बोला जाता है, अलग अलग एग्जीक्यूटर पे भेज दिया जाता है, और वहाँ से जब वो सब लोग अपना टास्क कंप्लीट कर लेते हैं तो वापस आके बताते हैं कि हमने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है। इसी को बोलते हैं पैरेलल डेटा प्रोसेसिंग, एक साथ मल्टीपल लोग काम कर रहे होते हैं। अब ये मैंने बोला कि पैरेलल डेटा प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, एग्जाम वहाँ पे देखोगे डेफिनेशन में, तो वो बोल रहा है कि ऑन अ कंप्यूटर ऑफ क्लस्टर, मतलब कि जो हमारे कंप्यूटर के क्लस्टर बने हुए उस पर काम कर रहे होते हैं। तो अब हम समझते हैं कि कंप्यूटर क्लस्टर बनता कैसे है। देखो तो यहाँ पे हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। ये जो है हमारा मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर पे काम करता है स्पार्क। उसमें क्या होता है कि एक मशीन जो बन गया वो मास्टर बन गया, और बाकी सारे जो मशीन्स हैं वो हमारे बन गए स्लेव, मतलब कि एक मालिक हो गया, बाकी उसके नौकर हो गए, ठीक है। तो ये मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर पे काम करता है। ये किस तरह से बनता है कि देखो, हर एक कंप्यूटर को मैंने यहाँ पे यह अज्यूम किया है कि उसके पास 16 GB का रैम है और 1 TB का स्टोरेज है, ठीक है, और मान लो 4-core CPU है, ये भी बता ही देते हैं यहाँ पे 4-core CPU है। ये हर एक कंप्यूटर में ये बेसिक सी कॉन्फ़िगरेशन लगी हुई है हर एक कंप्यूटर में, और यहाँ पे मास्टर के पास भी ये सेम चीज़ है। तो मास्टर का काम क्या है, सिर्फ काम को डिवाइड करना। तो इसका काम है मास्टर का कि हमारे पास जितने भी काम आते हैं उसको अलग अलग लोगों में डिवाइड करना। तो इसी तरह से कंप्यूटर क्लस्टर बनता है कि एक मास्टर बन गया, मतलब कि वो भी कंप्यूटर ही है लेकिन वो एज अ मास्टर ये करता है, काम करता है, मतलब उसका काम है लोगों को काम डिवाइड करना। जैसे कि हमारे ये फादर और सन वाले केस में क्या था, फादर का काम था सिर्फ अपने बेटों को काम को डिवाइड करना। तो यहाँ पे सेम चीज़ काम कर रहा है
कि यहाँ पे हमारा मास्टर बैठा हुआ है और उसके पास भी अपना खुद का सीपीयू है, क्योंकि उसको भी तो कुछ प्रोसेस करना होगा। अगर मान ले इस हमने इसको बोला कि ये काम कर दो, तो ये काम करने के लिए इसको समझ में आना चाहिए, और समझने के लिए इसको लगेगा सीपीयू, तो इसके पास होगा सीपीयू और इसके पास होगा रैम, क्योंकि वहाँ से ये क्या करेगा, काम को अलग अलग लोगों को डिवाइड करेगा इन जो भी हमने इंस्ट्रक्शन इसको दिए हैं। ठीक है, तो यही होता है हमारा कंप्यूटर ऑफ क्लस्टर। इस तरह से हमारे कंप्यूटर क्लस्टर बने होते हैं। इसको अभी और डिटेल में पढ़ेंगे, ये इतना ही नहीं होता है, इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, उसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन आज हम बेसिक ओवरव्यू ले रहे थे, इसलिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कंप्यूटर का क्लस्टर कैसा होता है। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया कि 5 टेराबाइट के डेटा को प्रोसेस करने के लिए इसको मास्टर को बोले, तो ये जाएगा मास्टर के पास, बोलेगा कि हमारे पास 5 टेराबाइट डेटा है, इसको प्रोसेस करना है। अब ये जाएगा सारे वर्कर के पास, देखिएगा सारे वर्कर अभी खाली है, ये भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा, सारे वर्कर मान लो अभी खाली है, तो इसके पास 16 GB रैम है, इसके पास भी 16 GB है, इसके पास भी 16 GB है, और इसके पास भी 16 GB है, मतलब टोटल 64 GB। तो एक साथ क्या कर सकता है, ये 64 GB डेटा को भेजेगा, बोलेगा पहले ये 64 GB को प्रोसेस कर दो, फिर जैसे ये 64 GB हो जाए उसके बाद वापस मैं फिर से 64 GB भेजूंगा। तो इस तरह से क्या करेगा, ये करेगा, इसका काम है, मास्टर का काम है कि 5 TB डिवाइडेड बाई 64, और जो भी नंबर आता है उतने बार इसको अलग अलग लोगों को टास्क देने होंगे। अब ऐसा भी हो सकता है ना कि ये टास्क पहले कंप्लीट कर ले, और ये टास्क मतलब इसका काम थोड़ा छोटा था तो ये जल्दी कर लिया, तो जल्दी कर लिया तो ये इन्फॉर्मेशन इसको भेजेगा, और अगले जो 64 GB वाले डेटा होंगे वो इसको भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से कंप्यूटर ऑफ क्लस्टर काम कर रहे होते हैं। इसको भी बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है, ये बहुत ही हाई लेवल पर मैं चीज़ों को बता रहा हूँ, लेकिन इस तरह से हमारे कंप्यूटर के क्लस्टर बने होते हैं। तो अब वापस चलते हैं हम अपने डिफिनीशन पे। अब शायद डिफिनीशन आपको क्लियर हो जाएगा कि स्पार्क एक्चुअल में है क्या, स्पार्क पहले है क्या, उसके बाद तो हम सीखेंगे कि स्पार्क कर क्या सकता है। तो स्पार्क जो है यूनिफाइड कंप्यूटिंग इंजन है, मतलब कि यहाँ पे कोई भी आके अपना सेम कंप्यूटर पे काम कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ लाइब्रेरीज दिए हुए हैं। अच्छा, लाइब्रेरीज के बारे में हमने बात नहीं किया, जैसे आप लोगों ने सुना होगा पांडाज, ठीक है, पांडाज एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी का मतलब कि वो सेट ऑफ कोड होते हैं, प्री रिटन कोड होते हैं, जो कि हमें लिख के दे दिए जाते हैं और उसका हम यूज करके अपने आगे के काम को परफॉर्म करते हैं, उसी को बोलते हैं लाइब्रेरी। यहाँ पे मल्टीपल कोड्स पड़े होते हैं, अलग अलग क्लास के अंदर अलग अलग फंक्शन बना के कोड लिखे रहते हैं, उसका हम बस यूज करते हैं। ठीक है, हो सकता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं समझ में आ रही होगी, लेकिन स्टे करना वीडियो में, आगे जैसे जैसे जाओगे चीज़ें आसान होते जाएगी, और हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि ये लेक्चर जो है वो बोरिंग लगे, लेकिन वेट करो, ये लेक्चर के बाद जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी आप लोगों को हर एक चीज़ समझ में आएगा, और जो फंडामेंटल होता है वहीं से हर एक चीज़ निकल के आता है, तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए क्या बोलूँ मैं, मन दबा के जो भी है जैसे भी है वो वीडियो को देखना, समझने की कोशिश करना, जितना समझ में आता है उतना ही समझने का, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि आगे जाके ये सारी चीज़ें वैसे भी क्लियर हो जाने वाली है। आज की वीडियो में जितना समझ में आता है उतना ही ठीक है। ठीक है, वापस आते हैं, भाग जाते हैं कभी कभी। ठीक है, अपाचे स्पार्क जो है यूनिफाइड इंजन है, कंप्यूटिंग इंजन है, अगेन याद रखना, स्टोरेज नहीं होता, इसके पास कुछ भी स्टोर करने की क्षमता नहीं होती है, तो ये कंप्यूटिंग इंजन है, सिर्फ कंप्यूट करके देगा। ऑन सेट ऑफ लाइब्रेरीज, जो कि प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज बने होते हैं वहाँ पे, और ये क्या करता है, पैरेलल डेटा प्रोसेस करता है, मतलब एक काम को मल्टीपल लोगों को भेज के काम करवा लेता है। ऑन कंप्यूटर ऑफ क्लस्टर, अब ऐसा भी नहीं कि एक कंप्यूटर सारा काम कर रहा होता है, बहुत सारे कंप्यूटर मिलके, और ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि वो सारे कंप्यूटर जो है एक जगह मिलके एक साथ काम कर रहा है, इसी यही काम करता है हमारा अपाचे स्पार्क, सारे कंप्यूटर को एक साथ बना के काम करवाता है और हमारे काम को जल्दी करवाता है। क्योंकि देखा था ना फादर सन वाले केस में, अगर उसके पिता खुद काम करने जाते तो उनको 10 काम करने के लिए बहुत सारा समय लगता, लेकिन उन्होंने अपने काम को 4 बेटों में डिवाइड कर दिया, जिससे कि उनका काम पूरा आसान हो गया और चारों बेटों ने अपना रिजल्ट ला के दे दिया। अब हो सकता है कि उस केस में बेटा को मान लो कोई टास्क ना पता हो, तो उस केस में वो क्या करेंगे, पेरेंट्स हेल्प करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें होती है जो कि आगे हम पढ़ेंगे, ये तो मैंने बस एनालॉजी ले लिया था और कुछ नहीं। तो चलिए, आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और पसंद भी आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।